नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल फ्रेंड्स सेविन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों मैं जो मैच कवर करने वाले हैं यूरोपियन टी20 जिब्राल्टर का मैच है कि दोस्तों पे खेला जाएगा बीएबी से पीआईआर टीम्स के बीच। डिप्लोमेसिस करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस प्रेजेंट पो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों इस टूर्नामेंट में डेली दो मैच होते हैं सेम टीम के बीच, तो दोनों मैच का फाइनल अपडेट, फाइनल टीम सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से आकर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। क्लिक करिए और तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों सर्च करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 6100 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, 6500 के आसपास भी हो सकते हैं, तो वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल दिखेंगे तो उनसे आपने सावधान रहना। हमारे रियल चैनल पर जुड़ने का बेस्ट तरीका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है, यदि आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली रियल चैनल जुड़ेंगे। तो पहले लिंक से ज्वाइन करिएगा, और कभी कभार लिंक वर्क नहीं करता तो फिर जाकर टेलीग्राम में सर्च करिए और यहाँ पर सेम यूजर नेम देख के 6500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, तो पहला मैच रात में 10 बजे से, दूसरा मैच रात में 12 बजे से स्टार्ट होगा, और दूसरा मैच होने वाला है यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिब्राल्टर के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं विकेट की, तो बैलेंस विकेट मान के आपने अपनी टीम क्रिएट करनी है, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल विकेट के अंदर मैच होते हैं, वहाँ पर लगभग हर एक डिपार्टमेंट को इक्वल समोट रहता है। जो बैट्समैन होते हैं अच्छे हिटर टाइप के, तो यहाँ पर रन भी बना सकते हैं। जो बॉलर विकेट टू विकेट स्टंप लाइन में बॉलिंग करता है उसको यहाँ पर विकेट भी मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर 100 से 120 के बीच स्कोरिंग देख सकते हैं। पहले दोस्तों बात करेंगे बीएबी टीम्स के, तो टूर्नामेंट इन्होंने 4 मैच खेले हुए, 2 मैच में जीत हासिल किया और 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे एंड्रयू क्रोम और इसे एंड्रयू रेश। बात करें दोस्तों क्रोम की, लास्ट मैच में 23 का स्कोर किया, उसके पहले कुछ खास कर नहीं रहे थे, लास्ट मैच में ओपन करने आए थे, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जीएल में आप रोटेट कर सकते हो। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करिएगा, हर मैच ओपन भी नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट मैच में पता नहीं इनसे क्यों ओपन कराएगी, क्योंकि इनके पास इनके जो ओपनर बल्लेबाज हैं केन रॉय नस्टर, और लास्ट मैच में बहुत नीचे खेले थे, उनके साथ ओपन करने आए थे एंड्रयू रेश। ये अच्छे फॉर्म में लग रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। पहले मैच में 16 किए थे, दूसरे मैच में 51 की इनिंग खेलते, उसके बाद 23 और 15 का स्कोर किया हुआ है, तो कुछ आपको स्कोर करके दे सकते हैं। इनका ओपनिंग करना लगभग कंफर्म है, ओपनर बल्लेबाजी हैं, साथ में इन्होंने हर मैच में 2 ओवर की अपनी कंफर्म बॉलिंग करी हुई है, तो सीबीसी का बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लस अपने 2 ओवर की कंफर्म बॉलिंग कराएंगे। वन डाउन बैटिंग करते हुए देखेंगे एयन लैटिन, राइट हैंड बैट्समैन है, लेग ब्रेक बॉलिंग के लिए जान जाते हैं। लास्ट मैच में इनके ओवर कट हुए थे, एक भी इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन उसके पहले लगातार 2 ओवर की बॉलिंग कर रहे थे, प्लस बैटिंग से भी 46 और 21 का स्कोर किया हुआ था लास्ट मैच, तो बैटिंग से भी जल्दी आउट हो गए। तो अपनी टीम में एज ए प्लेयर रख सकते हैं, सीबीसी के ऑप्शन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन अब लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, क्या पता फिर से ना बॉलिंग करें। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप स्मॉलिंग में एज ए प्लेयर रखिए, सीबीसी के इनसे भी बेटर ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। केन रॉय नस्टर की बात करें, 1 से 2 ओवर की कंफर्म बॉलिंग कराते हैं, लास्ट मैच में भले ही 1 ओवर किया, लेकिन उसके बाद लगातार 2 ओवर कर रहे थे, और मोस्ट ऑफ द मैचेस में 2 ओवर करते हुए देखेंगे। पहले मैच में 16 किया था, उसके बाद 21, 35 और 20 का स्कोर किया, तो बैटिंग से भी अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं, जब तक रहेंगे चौके छक्के लगाते रहेंगे, तो आपकी टीम में मस्ट पिक है, सीबीसी के बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। रोबन पेटर की बात करें, ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करिएगा, स्टैट्स इनके ठीक ठाक हैं, 2 मैच के अंदर 40 रन 1 विकेट इनका ओवरऑल स्टैट्स है। लास्ट गेम में 9 रन का स्कोर किया, 1 ओवर डाले, तो जीएल के अंदर ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्की है। नीचे एयन फेरल की बात करें, 8 रन का स्कोर किया था, 4 बॉल भी डाली थी, तो बैटिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप दे सकते हैं, प्लस आपको 1-2 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ से ग्रिम्स को अब सिर्फ जीएल ट्राई करेगा, बॉलिंग ज्यादा कराते नहीं है, 4 गेम के अंदर सिर्फ 1 ओवर डाला हुआ है। अलेक्जेंडर छोड़ दीजिएगा, स्मार्ट बोथ एक अच्छी चॉइस रहेंगे, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने 1 भी बॉलिंग नहीं करी थी, लास्ट मैच में उससे पहले 2 ओवर की बॉलिंग करा रहे थे और विकेट भी निकाल रहे थे, पता नहीं लास्ट मैच में बॉलिंग क्यों नहीं दी गई, लेकिन अच्छी पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द मैचेस में बॉलिंग करके जाएंगे, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। क्रिस्टन लो भी बॉलिंग नहीं कराए थे, इस टीम के प्रमुख स्पिनर हैं, लेकिन इन्होंने बॉलिंग नहीं करी, उससे पहले 2 ओवर की बॉलिंग करा रहे थे, विकेट भी निकाल रहे थे, तो आप इनको भी एज आ थोड़ा सेफ जाना चाहें ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन काफ़ी होगा, लेकिन एक डिफरेंट पिकअप के लिए रहने वाले हैं जोहन मैथ्यू, लास्ट के 2 गेम खेले हैं, लेकिन सेकंड लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी, लेकिन लास्ट मैच में 2 ओवर पूरे डाल के गए थे, तो हो सकता है फिर मैथ्यू करें, तो थोड़ा सा यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मैथ्यू का सिलेक्शन कम है, आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हो, एक अच्छी चॉइस रहेगी। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है वीएबी का, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर आपको यहीं देखने को मिल सकता है, हालांकि बैटिंग ऑर्डर जो भी रहेगा फाइनल आफ्टर टॉस में आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम पीआईआर की, लेकिन एक बार फिर बता दूं फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट ओपन किया हुआ, लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीआईआर का दोस्तों बुरा हाल है, 4 मैच इन्होंने खेले हुए हैं, 4 के 4 मैच टीम अपने हार के आ रही, इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे ऐसे नदीम हुसैन और ऐसे कैरन फरारी। बात करें दोस्तों हुसैन की, लास्ट गेम में ठीक ठाक स्कोर किया 31 का, उसके पहले कुछ खास कर नहीं रहे थे, तो आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपन करते हुए नजर आएंगे, तो आप जीएल के अंदर ट्राई करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा चॉइस अच्छी नहीं है, तो आप चाहें तो स्मॉल लीग भी रख सकते हैं। फरारी की बात करें, लास्ट गेम में 34 किया था, उसके पहले 8, 29 और 26 का स्कोर है, कीपिंग सेक्शन से एक बेहतर चॉइस रहेंगे, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इनके साथ जा सकते हैं। बात करें दोस्तों लुईस ब्रूस की, कैप्टन वाइस कैप्टन का बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, 1 से 2 ओवर के
पहले ओवर कन्फर्म बॉलिंग कराएंगे, साथ में आपको ऑन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे और काफ़ी टैलेंटेड और यंग प्लेयर हैं, ज़्यादा एज भी इनका ना हुआ तो इनसे आप परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। पहले मैच में एक विकेट, दूसरे मैच में 33 रन प्लस 1 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, उसके बाद 23 रन 0 विकेट, दो ओवर के लिए वो बॉलिंग कराएंगे, बस ओपन करेंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे फिर ओपन करेंगे, टॉप ऑर्डर ही खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट हैव भी हो जाते हैं। अटेलियो की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, एक आध ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप दे सकते हैं, तो अपनी टीम में एज ए प्लेयर बैटिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग सेक्शन में कोई बेटर चॉइस है नहीं। आसिफ तरार 4 मैच के अंदर सिर्फ लास्ट मैच में उन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, उससे पहले बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे, तो पता नहीं इनका, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 2 ओवर फिर से डाल के जाएगा क्योंकि इनके बॉलिंग के उतने अच्छे स्टैट्स हैं नहीं। लास्ट मैच में जरूर किए थे लेकिन लास्ट मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर के ओवर भी कट हुए थे, तो थोड़ा रिस्की मामला रहेगा, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। पांचाल की बात करें, ये 2 ओवर अपने कंफर्म करके जाएंगे, स्पेन के प्लेयर हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। सेकंड लास्ट मैच में 28 रन भी किए थे, 2 विकेट भी निकालते, तो आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देंगे प्लस बैटिंग से भी बैकअप दे सकते हैं, जो टॉप ऑर्डर मेंशन होते हैं तो भी जरूर ट्राई करिएगा। रिश पांचाल की बात करें, 2 ओवर की बॉलिंग ऑलमोस्ट कंफर्म कराते हैं, सिर्फ एक ही मैच में 1 ओवर डाला हुआ है, हर मैच में ऑलमोस्ट विकेट निकाला हुआ है, लास्ट के 2 गेम में 2 विकेट ले चुके हैं, तो एक अच्छी चॉइस रहेंगे। विकेट टेक्निक नेचर के बॉलर हैं, 2 ओवर जरूर कराएंगे, तो इनको भी आपने ट्राई करना। निखिल आडवाणी का लास्ट मैच में ओवर कट हुआ था लेकिन हम इससे पहले इनके मैच ओवर कट नहीं हो रहे थे, 1.2 ओवर, 2 ओवर में 2 विकेट 1 विकेट जब भी बॉलिंग मिली है विकेट लेके दिए हैं, तो हो सकता है इस मैच में यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहे थे आसिफ तरार इनके ओवर कट जाएं और आडवाणी बॉलिंग कर जाएं क्योंकि आडवाणी इनकी टीम के प्रमुख बॉलर हैं। पीटर्स ने 1-1 ओवर डाल लें तो अब जेल के अंदर ही ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगे, यहाँ से जोन्स का भी मुझे कुछ खास लग नहीं रहा, छोड़ दीजिएगा, पुरुषोत्तम भी अपने छोड़ के चलना है। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है FAIR का, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बिल्ड बैटिंग ऑर्डर ही देख सकता है। हालांकि दोस्तों दोनों टीम के लाइनअप में कुछ चेंजेस यदि होते हैं, कोई नया प्लेयर स्क्वाड से लाइनअप में जुड़ेगा तो रिकॉर्ड टेलीग्राम पर मिलेगा। और इस मैच का जो विनर टीम रहने वाली है, मैं आपको जो ऊपर टीम दिख रही मैं आपको बता दे रहा हूँ, BAB की टीम मोस्ट पब्लिक विन करना चाहिए, लेकिन यदि इनके मेन सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलेंगे तो BAB इस मैच को पक्का जीतेगी, लेकिन यदि इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर बेंच में बैठ जाते हैं, क्योंकि जैसे कल भी आपने देखा होगा पहले मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेल रहे थे, तो फिर PIR थोड़ा बहुत कर सकती है क्योंकि PIR की परफॉर्मेंस पूरी तरह से लुईस ब्रूस के अंदर डिपेंड करती है, ये बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों से जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा तभी इस टीम कुछ कर पाएगी, अदरवाइज ये टीम तो भाई पूरी कमजोर है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे इस मैच का टीम की अभी के लिए, लेकिन एक बार फिर बता दूं फाइनल अपडेट फाइनल टीम सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर दी जाएंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, जल्दी से अगर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी अपडेट फाइनल टीम सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या, चलिए टीम देखते हैं। दोस्तों अभी के लिए हमारा स्मॉल लीग का टीम कुछ ऐसा है, इस टीम को आप किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप खेलते हो, इसका जो क्रेडिट और पॉइंट सिस्टम है सेम सपना 11 एप्लीकेशन के जैसे है, तो यदि आप वहाँ पर भी खेलते हो तो वहाँ पर भी चाहें तो सेम टू सेम लगा सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो अपने हिसाब से प्रीव्यू का यूज करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ये प्ले स्पॉट एप्लीकेशन है। यदि आप यहाँ पर खेलना चाहते हो तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फिर साइनअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में फरारी के साथ जा रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन से मैंने फेरल को लिया हुआ है, यदि टॉप ऑर्डर मेंशन होंगे तभी मैं ट्राई करूंगा, नहीं इनकी जगह में हो सकता है आसिफ तरार को ले लूँ, यहाँ से मैंने नदीम हुसैन लिया हुआ है, एवट लॉय लिया हुआ है, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने केंद्र नस्टर को अपनी टीम में लिया हुआ है, लैटिन मेरी टीम में रहने वाले हैं, ए राइस को मैंने लिया हुआ है, और ऐसे लुइस ब्रूस मेरी टीम में रहने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन से मैंने मैथ्यूज को लिया हुआ है, लास्ट मैच में 2 ओवर पूरे डाल थे, यहाँ से स्मार्ट बोधा के साथ जा रहा हूँ, ऐसे मैंने रिचमैन को अपनी टीम में पिक किया हुआ है, रिच हैचमैन कैप्टन दोस्तों मैंने लुइस ब्रूस को किया हुआ, थोड़ा सा यंग टाइप के प्लेयर दिख रहे हैं तो मैं इनसे उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी तो अधे बुड्ढे बुड्ढे लोग यहाँ खेल रहे हैं। वाइस कैप्टन मैंने रेस को दिया हुआ है जो कि आपको ओपन करते हुए देंगे, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे, ब्रूस 1 डाउन बैटिंग करेंगे, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग ब्रूस भी कन्फर्म करके देंगे, और यहाँ से लैटिन और केंडो नेस्टर को आने का रीजन है, नेस्टर को मैं आफ्टर टॉस हो सकता है मैं VC नेस्टर को ही करूँगा यदि ऊपर मेंशन होंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं कंपेयर टू रेस, लेकिन नेस्टर ने लास्ट मैच में 1 ओवर डाला था और लैटिन ने लास्ट मैच में 1 भी ओवर की बॉलिंग नहीं करी थी, इसलिए मैं CVC बनाने में थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा है। बाकी अभी के लिए दोस्तों हमारा स्मॉल लीग की टीम यही है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लैटिन मैच में बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं, वो जैसे इनका लाइनअप आएगा पता चल जाएगा कितने बॉलर खेल रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन फाइनल टीम फाइनल सजेशन सब कुछ टेलीग्राम पे दिया जाएगा, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट ओपन किया हुआ, लिंक में क्लिक करिए और तुरंत टेलीग्राम चैनल पर एंट्री ले लीजिए, सारी अपडेट फाइनल टीम वहीं मिलेंगी। और वीडियो आपने लाइक नहीं किया था तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।